मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काबीना को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक जो मौजूदा जम्मू कश्मीर में एपिसोड चल रहा है उस पर ऑन दी वेरी क्रूशल टाइम उस पर एक बहुत अच्छा इकदाम किया, जो कि जम्मू कश्मीर से तलक रखने वाले हमारी बहन मशाल मलिक साहिबा को, जिनके खामन आपको पता है कि वहाँ पे काफ़ी अरसे से कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको मदू किया। और मेरे ख्याल में उनसे बेहतर इस इलेक्शन के हवाले से वहाँ का जो भी हालात हैं, कोई भी हमारी मीडिया को, हमारे दोस्तों को और हमें आगाह नहीं कर सकता। इस लिहाज से मैं उनके इस कावश को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हम यही देख रहे हैं कि हर जब भी कोई इलेक्शन होता है वो फौज की बंदूकों के साए में होता है, और पूरी दुनिया इस बात से आगाह है। मेरे ख्याल में ये तकरीरों से बहुत आगे और इन सेमिनार से बहुत आगे मामला चले गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी बाशऊर शख्स ऐसा होगा जो इस मामले में आंखें बंद करके बैठा होगा, या जो जिसको इस मामले में आगाही नहीं होगी। कश्मीर का मामला हो, फलस्तीन का मामला हो, हमने मेरी उम्र तकरीबन 56 साल हो चुकी है, बचपन से हम यही सुन रहे हैं कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है। और वो जब तक मुस्लिम उम्मा इकट्ठी नहीं होगी, जब तक मुस्लिम उम्मा अपने आप में इत्तेहाद पैदा नहीं करेगी, ये मसाइल का हल कोई भी नहीं है। कोई यूएन हो, आपने देख लिया जो इस्लामी ममालक की वो तंजीम है, बिल्कुल न होने के बराबर। और कश्मीर से बढ़कर जो इस वक्त फलस्तीन में जो क्यामत गुजर रही है अपने फलस्तीन में, उस पर अगर मुस्लिम उम्मा गठी नहीं हो सकी, तो मेरे ख्याल में ये कश्मीर के मामले में क्या हालत होंगे। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान हैं हमारे, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो आपस में इत्तेहाद पैदा करें। मैं सलाम पेश करता हूँ इस सिलसिले में ईरान को, जो काफ़ी अरसे से पाबंदियों की बर्दाश्त करते हुए भी अपना कम से कम उन्होंने एक हमला तो किया, कम से कम उसमें कुछ भी हुआ, लेकिन उन्होंने एक इंस्टांस तो लिया। तो कश्मीर के हवाले से भी ये करारदादों से यूएनओ का सबके सामने है, यूएनओ का किरदार अगर वो फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सके तो कश्मीर के लिए तो क्या करेंगे। फलस्तीन जहाँ पे उन्होंने पूरा एक मुल्क खंडर बना दिया, उसके लिए यूएनओ का अगर जमीर नहीं जागा, अकवामे आलम का जमीर नहीं जागा, तो कश्मीर में तो उससे बहुत कम जुल्म हो रहा है। तो हम इस फराड इलेक्शन को, इस किस्म के बोंडे इलेक्शन जो कि हर दफा कश्मीर में भारत करवाता है और फौज के पहरे में करवाता है, और पुरानी तस्वीरें लगा के जो दो चार उनके अपने इलाके हैं वहाँ की तस्वीरें शो करके मीडिया को वो दिखा के कि जी इलेक्शन हो रहे हैं और फलां पार्टी जीतती तो फलां पार्टी जीत, जब असल कश्मीरी पाबंदे सलासल हैं तो फिर इलेक्शन किस बात का। जब तक वहाँ पे उन जो कश्मीरी रहनुमा हैं हमारे यासीन मलिक साहब हैं और देवर जुद्दीन भी हमारे रहनुमा हैं, उन्हें आज़ादी नहीं मिलती, वो आज़ाद तरीके से अपनी कंपेन नहीं कर सकते, आज़ाद तरीके से इलेक्शन नहीं करा सकते वहाँ, उस वक्त तक वहाँ पे इलेक्शन फ्रॉड इलेक्शन है और इसको पूरी दुनिया में कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, कि मैडम ने कहीं जाना भी है, उनका कहीं अपॉइंटमेंट भी है, तो मैं आप दोस्तों का बहुत मशहूर हूँ जो यहाँ पे तशरीफ लाए और इस हवाले से अपने इस एहतजाज में, इस कॉल में शरीक हुए।
अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा इंशाअल्लाह देगा। बहुत शुक्रिया।